नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज़ फूड ज्ञान। आज मैं जिस चीज़ का जो फ्रूट फ्रूट जो है उसका रिव्यू करने वाला हूँ वो है कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, और इसको शरीफा भी बोलते हैं। आज मैं इस पर रिव्यू करने वाला हूँ कि ये जो मैंने लिया है वो है 200 ग्राम है, ये एक सीताफल है 200 ग्राम है। दो सौ ग्राम का पूरा पूरा यानी 203 ग्राम है, ठीक है। तो 200 ग्राम सीताफल खाने से, कस्टर्ड एप्पल खाने से हमारी शुगर बढ़ती है या घटती है, इस चीज़ पे आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो अभी जो टाइम हुआ है वो आप देख सकते हैं, 8 बज गई है, ठीक है। और सुबह 6 बजे मैंने बिना शक्कर वाली चाय ज़रूर पी थी, ठीक है। तो ये रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। तो पहले मैं अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये सीजन चालू हो गया सीताफल का, और सीताफल भी उतना ही मीठा होता है जितना हम चीकू और आम को हम लोग मानते हैं, उतना ही मीठा होता है। चलिए, ब्लड आ चुका है, ये आ गई हमारी रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि मैंने 6 बजे चाय पी थी। 202 आई है, ठीक है, 202, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको, सीताफल का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 9 के आसपास होता है, यानी येलो, एक तो होता है ग्रीन, एक होता है येलो, एक होता है रेड। रेड यानी हमारा काफ़ी हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है, येलो यानी मीडियम होता है, और जो ग्रीन होता है वो हम लोग हमारे यानी शुगर में इफेक्ट ज़रा भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कुछ 54 के आसपास रहता है, जो डायबिटिक वालों के लिए अच्छा माना जाता है कि आप ये चीज़ खा सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे एक्चुअली ये है कि तो ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे बालों और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है, हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, अस्थमा को भी दूर करने के लिए सीताफल काफ़ी फायदेमंद होता है, कमजोरी को दूर करता है, हमारी आँखों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन जो है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, फैक्ट्स हैं कस्टर्ड एप्पल के, उसमें हमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फाइबर, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे हमें ये सारे फायदे हमें मिलते हैं। सर्दियों में इसको कम खाएं क्योंकि ये ऑलरेडी ये ठंडा होता है, और जिसको सर्दियों जुकाम होता है, ठीक है, उस ये चीज़ सीताफल ना खाएं, इससे दूर रहें तो बेटर रहेगा। इसको कब खाना चाहिए? लोग कहते हैं कि इसको लंच और डिनर के आधे घंटे बाद खाएं या उसके आधे घंटे पहले खाएं तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे थे, फायदे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन जो जो हमें रेगुलर में यूज़ होता है वो भी फायदे मैंने आपको बताए हैं। चलिए, मेरा जो शुगर आया है वो 202 आया है, रैंडम ब्लड शुगर, और मैंने 200 ग्राम सीताफल लिया है, ठीक है। तो इसको मैं भी फटाफट खा लेता हूँ, देख लीजिए काफ़ी बड़ा है, 200 ग्राम का है, काफ़ी बड़ा है। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, इसको टाइम बहुत लगता है, खाने में मज़ा है लेकिन इसका टाइम बहुत लगता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, अब मैं इसको फटाफट खा लूँगा। एक कटोरी और ली है मैंने, जिससे कि आपने को पता चले जो मैंने बीज और जो ऊपर का जो स्किन है उसको वापस मैं मेज़र करूँगा कि हम लोगों ने एक्चुअल खाया कितना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अंदर का जो मटेरियल होता है ना वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि मैंने एक्चुअल कितना खाया है, 203 ग्राम में मैंने कितना खाया है, ठीक है। शक्कर जैसा मीठा है, टाइम भी बहुत लगता है, हमें कम से कम 10 10 मिनट चाहिए चाहिए इसको खाने में।
देखिए कितना टाइम लग गया हमें, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक्चुअली खाया कितना है 203 ग्राम में। तो ये मैंने टैप कर दिया, अब मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ कि हम लोगों ने एक्चुअल खाया कितना है। पूरा पूरा 100 ग्राम, अभी 103 ग्राम है। हमने लोग लिया था 203 ग्राम और अभी है 103 ग्राम, यानी 100 ग्राम हम लोगों ने सीताफल खाया है, ठीक है। तो अभी जो टाइम हुआ है 8:15 हुई है, अब मैं आपको मिलूँगा 9:15 बजे और 10:15 बजे, यानी 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद कि हमारी शुगर क्या रहती है। अभी जो हमारी शुगर रही थी वो खाने से पहले थी 202 थी शायद, हाँ 202 थी, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ 9:15। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमें 1 घंटा हो चुका है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 8:15 को, अभी टाइम हो गया 9:15। चलिए अब हम हमारी शुगर चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैं अपनी शुगर चेक कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी मेरी नई वीडियोस आती रहें आती है वो आपको नोटिफाई करते रहे। ये आ गई हमारी 1 घंटे बाद की शुगर रिपोर्ट, 220 आई है, पहले थी 202 अभी आई है 220, यानी ज़्यादा अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है। क्या रहती है अभी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन वैल्यू कि इसमें फाइबर भी अच्छा क्वांटिटी में रहता है, मैग्नीशियम भी अच्छा है, यानी हर चीज़ अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मीठा भी है लेकिन हमारी शुगर के लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आपको मिलता हूँ मैं 1 घंटे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमें 2 घंटा हो चुका है, स्टार्ट किया था 8:15 को, फिर हम लोगों ने शुगर निकाली थी 9:15 को, जो आई थी हमारी 220। अभी हमें 2 घंटा हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं हमारी शुगर क्या आती है। दोस्तों आपको क्या लगता है शुगर बढ़ी होगी या कम होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को शेयर करें, जो शुगर पेशेंट हैं उनको भी पता चले। नहीं निकला है, कभी कभी नहीं निकलता है, अभी शायद आ जाना चाहिए, आ गया। ये आ गई हमारी 2 घंटे बाद की शुगर, देख लीजिए दोस्तों 205, यानी ना बढ़ी है ना घटी है, बल्कि हम लोगों ने मीठा भी खाया जो 100 ग्राम है, लिया तो था हम लोगों को 203 ग्राम, खाया हम लोगों ने 100 ग्राम ही था, ठीक है, लेकिन मीठा भी था, मज़ा भी आया, ठीक है। और हमारी शुगर नहीं बढ़ी है ना घटी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू।